नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों भाई, दुबई में सोना सस्ता होना भी इंडियन लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसका क्या रीजन है? लालच बुरी बला है और लालच में इंसान मरता है। हर बार महीने में इतने वीडियो इतने मतलब मेरे पास आते हैं कि फलाने जगह पकड़ा गया। हालांकि मैं इतना बनाता नहीं हूँ वीडियो, क्या बनाना भाई, सबको आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे एक अलग माजरा हुआ कि दुबई से आने वाला तो पकड़ा गया, उसका घर वाला भी पकड़ा गया। दोनों पहली बार ऐसा केस बनने आया है कि एयरपोर्ट पे लेने आए घर वाले भी हुए गिरफ्तार। जी हाँ, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे, माजरा क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड हर रोज आपको नई अपडेट मिलती रहे दुबई से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत कर ले दिल्ली हवाई अड्डे पर। जी हाँ साथियों, दिल्ली हवाई अड्डे पर 75 लाख 75 लाख रुपीज का गोल्ड पकड़ा गया है, 1.5 किलो से ऊपर का। जी हाँ, अब यार एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि एक बंदा यूएई से 1.5 किलो गोल्ड, यानी ठीक है 1500 से ऊपर, 1500 ग्राम से ऊपर गोल्ड लेके एयरपोर्ट के बाहर, मतलब ट्रॉली से लेके आ रहा था, यानी निकलने वाला था एयरपोर्ट के बाहर। इसका मतलब क्या होता जी? कस्टम विभाग ने चेक नहीं किया। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है। हालांकि न्यूज में ये बात नहीं बताई गई है कि भाई कस्टम विभाग ने चेक क्यों नहीं किया, बंदा यहां तक कैसे पहुंचा। अब उसने देखिए क्या कलाकारी करी कि बंदा के पास 1500 ग्राम यानी 1.5 किलो गोल्ड था, 75 लाख रुपए का। प्लेटें थी, गोल्ड की प्लेटें होती है ना लंबी, या पर भाई गोल्ड तो कैसे भी बनाया जा सकता है, कूट काट के वो अपने आप वो वहां पे जो दुबई में बेचते हैं वो बना के देते हैं कि इस तरह से आप लेके जाओ, आइडिया भी वही दे देते हैं क्योंकि उनको इनकम है। इंडिया में पकड़ा गया तो उनका कोई दिक्कत नहीं है, उनको वो तो लीगल है ना, वहां पे वो काम कर सकते हैं ऐसा। तो ये जो उन्होंने प्लान क्या किया बता दूं, प्लेटों को लेके आपको पता है एयरपोर्ट के अंदर ट्राली मिलती है आपको सामान रखने वाली, उसके जो ऊपर पकड़ने वाले होते हैं ना उस तरह की उन्होंने बना दी साइज, और उनको उनके ऊपर फिट कर दिया पकड़ने वालों के। और ट्राली के ऊपर जो स्टिकर लगे होते हैं, वो बंदा भी दुबई से वो स्टिकर लेके आया था। आप देखिए कितनी बड़ी प्लानिंग थी, वो रख के टेप से चिपका दिया गोल्ड को उस ट्राली के स्टैंड के ऊपर, फिर वो लगा दी ऊपर कि भाई ट्राली को लेके एयरपोर्ट के लोग बाहर आते हैं ना, कई दूर तक आते हैं कि भाई ठीक है हम हमारी गाड़ी तक ट्रॉली को लेके जाते हैं, तो वहां वो आराम से निकाल के जेब में डाल सकते हैं। कस्टम विभाग की उसके ऊपर नजर पड़ गई क्यों, कहीं ना कहीं वो है ना चोर की दाढ़ी में तिनका। वो कहावत आपने सुनी होगी, इंसान के पास 75 लाख रुपए का गोल्ड है तो उसके हाव भाव अलग हो जाते हैं, उसको भय लगता है कि इसने देख लिया, इसने उसको जितने भी यहाँ पे यात्री होते हैं ना उसको सबको वो CIDCB पुलिस दिखने लग जाती है, ये पुलिस हो सकती है, ये हो सकती है, वो कस्टम अधिकारी हो सकता है, तो उसके हाव भाव थोड़े चेंज थे। ये जो बैठे होते हैं ना कस्टम वाले, इनकी टारगेट बस यही होता है कि कौन से बंदों की आंखों में देख रहे होते हैं सबकी, कि कौन सी की आंखें यूं कर रही होती है, चेहरे का हाव भाव से पता लग जाता है इनको। तो उनको हाव भाव से पता लगा तो भाई इधर आओ, रोक लिया उनको, रोक लिया तो कड़ाई से पूछताछ की तो बंदा टूट गया जी, ये देखो जी मैंने ट्राली के चिपका रखा है, फिर उन्होंने आराम से वो गोल्ड निकाल दिया। अब वो एक्चुअली में निकलने वाला था तो उससे पूछा तो बंदा बोला मेरा एक बाहर और खड़ा है, एयरपोर्ट के बाहर बंदा खड़ा है, बोला तू भी आ जा, तो उसको भी पकड़ लिया। यानी जो बंदा लेने के लिए है उसको भी गिरफ्तार कर लिया, जो बंदा लेके गोल्ड आया उसको भी गिरफ्तार कर लिया। अभी एजेंसी उसकी जांच करेगी मामला क्या है। बाकी सोचने की बात है कि वो जो मशीन से निकलते हैं आपको सबको पता है डिटेक्टर से कैसे निकला, जबकि हर बार बोलते हैं इंडियन डिटेक्टर इतने हाई क्वालिटी के हैं, बॉडी के अंदर भी गोल्ड लेके आते हैं तो वो अंदर से पता लगा लेते हैं। ये बंदा 1.5 किलो गोल्ड लेके आया, बाहर निकल गया, कैसे निकला, इसका मतलब अंदर सेटिंग है। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।